पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो उसमें डर रहता है। मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी हम सब सेफ हैं। लड़कियां एक्चुअली अब दिन में भी सेफ नहीं है। हमें अभी सेफ फील नहीं होता, अगर हम दिन में भी निकल रहे हैं तब भी हम सेफ फील नहीं करते हैं। इसलिए बाबा ने बुलडोजर जो गिराना शुरू किया गया, नहीं तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा आतंक का प्रदेश बन जाता। तो बाबा ने जो किया वो सही किया। बुलडोजर चलाना ठीक है उनका, ठीक है वो ठीक है, इसलिए ठीक है कि दूसरा भी डरेगा देख के। जब हमारे कानों में ये सुनने आए कि एक लड़की का रेप हुआ, वो फिर भी उठी, उसने हाथ में जो आया और लगा के खींच के मारा, मैं मरूंगी पर मैं लेके मरूंगी। और जब ऐसे केसेस हमारे सुनने में आएंगे तभी सोती हुई महिलाएं जागेंगी। औरतों को लोग फकत जिस्म समझ बैठते हैं, रूह भी है उनके पास, ये कहाँ सोचते हैं। नमस्कार, मैं कनक मिश्रा आप सभी के सामने मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं मौजूद हूँ आईटी चौराहे के पास। यहाँ पर मैं पब्लिक से बात करूँगी कि 2024 में क्या महिलाओं को लेके जो सुरक्षा की बात करी गई थी, क्या मोदी सरकार योगी सरकार ने जिस सुरक्षा की बात करी गई थी वो उन तक पहुँच रही है या नहीं, क्या जो रूल्स और रेगुलेशन बने हैं क्या उन पर इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं। हमारे लिए महिला की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि महिलाओं से ही ये पूरा देश है। तो आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारी महिलाओं को लोग लक्ष्मी की तरह पूछते हैं, तो यहाँ जो लोग बैठे हैं उनके क्या विचार है, उनके मन में क्या चलता है कि जो महिलाओं के लिए रूल्स बनाए गए हैं उन पर इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, या वो क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। बात करेंगे महिलाओं की सुरक्षा की, तो चलिए महिलाओं से ही पूछते हैं। पहला कदम हम महिलाओं से ही उठाते हैं कि क्या कुछ चेंजेस आए हैं 2024 में, या क्या कुछ इनके साथ ऐसा हुआ है कि जिनसे इन्हें लगता है कि चेंजेस आए या नहीं। तो ये बात करते हैं, इनसे बात करके ही पता चलेगा। क्या नाम है आपका? दीपाली। आपका? शगुन। अच्छा शगुन, ये बताइए कि आपको लग रहा है कि 2024 में पहले के ज़माने से लेके इस ज़माने में 2024 में चेंजेस आए महिलाओं की सिक्योरिटी को लेकर के, उनकी इक्वालिटी, उनकी फ्रीडम को लेकर? हाँ, मतलब चेंजेस तो हैं लेकिन फिर भी हम लोग को इनसिक्योरिटी होती है। जैसे अगर हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो उसमें डर रहता है। मतलब अभी रिसेंट का इंसिडेंट बताया अगर, तो हम अगर जब स्टेशन से आ रहे थे तो दो लड़के थे, तो वो मेरे पास जाके बैठ गए। मतलब वो बैड टच टाइप था, तो फिर मतलब ऐसा लगा कि हाँ किसी को घर से लेके आते साथ में तो थोड़ा मतलब सिक्योर रहते, तो वो चीज़ तो है। मतलब तो उस इंसिडेंट के बारे में आपने अपने घर पर चर्चा की थी? नहीं, करना चाहिए आपको ताकि अगली बार कोई ना करे। नहीं नहीं, घर पे उस समय आपने उनको तुरंत मना किया था? हाँ, मैंने बोला ऑटो वाले को कि आप या तो उनको उतारो या तो हमको उतार दो। तो उन्होंने बोला कि, तो उन्होंने बोला हम तो कुछ नहीं कर रहे, ये वो ऐसा करके बोला उन्होंने, फिर वो लोग उतर गए खुद से। अच्छा, आप बताइए कि गवर्नमेंट क्या इस चीज़ को लेकर के स्टेप ले रही है? आपको लग रहा है कि प्रशासन और सरकार कुछ कर रही है महिलाओं के लिए? उत्तर प्रदेश में तो अभी जैसा हुआ, वैसे तो योगी जी ने एक्शन लिया था तुरंत, लेकिन जैसे कोलकाता केस में हुआ उसको देख के तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो गवर्नमेंट कोई एक्शन ले रही, और कई सा कोई भी सेफ फील ही नहीं कर रहा है। कि कोलकाता केस के बाद सारी लड़कियां थोड़ा ना थोड़ा डरी तो है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो ही जाता है, किसी भी तरीके से कोई गलत तरीके से देख रहा है तो वो सेफ तो लगता नहीं है बिल्कुल भी। तो बस आपका क्या नाम है? स्वर्णिमा। आप क्या कहना चाहेंगी कि महिलाओं की सेफ्टी को लेकर के जो रूल्स निकाले जाते हैं, तो जो उन पर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, तो वो क्या महिलाओं पर क्यों लगाई जाती हैं, आप ये बताइए? क्योंकि इस समय देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो इनसिक्योरिटी है वो हम ही लोग को हो रही है, और जो सेफ्टी। अच्छा, ये बताइए कि इनसिक्योरिटी आपको किससे हो रही है? एक्चुअली लोग ही है, पुरुषों से हो रही है ना? हाँ, तो उनके ऊपर पाबंदियाँ क्यों नहीं लगाते हैं और महिलाओं पे क्यों लगाते हैं, ये मुझे इसका जवाब दीजिए। सारे पुरुष पे नाम नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हर इस तरीके से देखा जाए तो किसी पे भी भरोसा नहीं हो रहा है अब लड़कों पे, चाहे वो लड़का कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो अब एक बन गया है कि कुछ खराब ही हो, डर रहता ही रहता है। चाहे वो कोई मदद भी मांग रहा हो लड़का, तो भी डर रहता है अंदर से कि कहीं कुछ गलत हमारे साथ ही ना हो। किसी पे भी बिलीव नहीं है, कोई कितना भी अच्छा दिख रहा है, अच्छा हो रहा है, वही तो वो तो है, डर है अंदर। अनुष्का। अच्छा अनुष्का, ये बताइए कि कल ही योगी जी ने एक बयान दिया है कि जिसमें उन्होंने कहा है प्रशासन को टाइट किया है कि आप अगर चेन स्नैचिंग जैसे कोई मामले होते हैं, लव जिहाद होता है या रेप केस होता है, छेड़छाड़ होता है, तो उस पे तुरंत एक्शन लिया जाए। तो आपको लगता है कि योगी जी के इस इंस्ट्रक्शन को प्रशासन फॉलो करेगा? प्रशासन फॉलो करे तो बहुत अच्छी बात है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी मुझे लगता है कि पूरी सोसाइटी को बदलने के लिए ना हमें पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सोसाइटी लोगों से बनती है, और जब लोग अपनी अपब्रिंगिंग और अपनी थिंकिंग चेंज करेंगे, समझेंगे कि हमें लड़कियों का सम्मान करना चाहिए, तब सोसाइटी चेंज होगी, ऐसे नहीं होगी। लोगों का मतलब है कि लड़के? हाँ,
लड़के भी, और कहते ना वुमेन्स आर एनिमी ऑफ वुमेन, बहुत सी वुमेन होती है वुमेन को ही सपोर्ट नहीं करती और वो ये सोचती है कि गलती जो भी हो वुमेन की ही है। और इस तरह की सोच सिर्फ आदमियों की नहीं है, एक एक लड़के को एक औरत ही पैदा करती है। अगर अगर एक लड़के की माँ उसको सही परवरिश नहीं दे रही है तो लड़का कैसे आगे जाके सही सीखेगा। अच्छा ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि ये जो योगी मोदी सरकार है तो क्या ये अपना काम सही से कर रही है, सरकार सही काम कर रही है या नहीं? हाँ सरकार तो सही काम कर रही है, पहले से बहुत डेवलपमेंट आए हैं। हाँ लेकिन और आने की जरूरत है, जरूरत है। तो जो हमारी पिछली सरकार थी सपा, देख लीजिए आप, सपा की जो छोटी थी, सब छोटी थी लेकिन हाँ। पढ़ा होगा आपने तो उसके कंपैरिजन में और आपके कंपैरिजन में कुछ आपको लगता है? अब के कंपैरिजन में चेंज है, हमारे कंट्री में बहुत डेवलपमेंट हो चुके हैं लेकिन अभी भी और बहुत होने जरूरी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौरी है। अच्छा गौरी जी ये बताइए कि 2024 में आपको लग रहा है कि महिलाओं को लेके जो फ्रीडम और इक्वालिटी की बात करी जा रही है उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है? मुझे नहीं लगता ऐसा इम्प्लीमेंट हो रहा है क्योंकि लड़कियां एक्चुअली अब दिन में भी सेफ नहीं है। पहले था कि भाई दिन में सेफ हो, आप रात में अंधेरा होती घर आ जाना, ऐसा था, बट वो भी गलत था एक तरीके से। बट अब तो है कि भाई दिन में भी सब होता ही है, कोई भी सेफ कहीं नहीं है, कहीं नहीं। इनफैक्ट जो अभी आर जेकर वाला हुआ है केस, उसमें भी वो अंदर अपने वर्किंग प्लेस पे भी नहीं सेफ थी, तो मुझे नहीं लगता कोई चेंज हुआ है इतना बेसिक। आपके साथ कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आप मतलब शेयर करना चाहें हमारी जो पब्लिक है उसके साथ? देखिए मैं देखिए मेरे तो बॉयकट है तो थोड़ा कम होता है, बट मैं सोचता हूँ अगर मेरे साथ हुए तो डेफिनेटली बाकी लड़कियों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा हुआ होगा। मेरे साथ भी एक दो केसेस हुए हैं बट मतलब इतना नहीं, माइन्यूट सा हुआ है थोड़ा बहुत। अच्छा ये बताइए कि क्या बोल रही है? वो मेडिकल स्टूडेंट वाला ही जो केस हुआ है, वो बेचारी हॉस्पिटल में थी लड़की, बट उसके साथ उसका रेप हुआ है। अभी अभी छोटी बच्ची के साथ भी एक रेप हुआ है, तो इस प्रकार से रेप होते जा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार एक्शन ले रही है या नहीं ले रही है, या फिर रेप होते जा रहे हैं? नहीं ले रही है, पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए इस अगेंस्ट। योगी जी ने फिलहाल कल एक ये निकाला है कि अब महिलाओं के साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी दुष्कर्म हो रहे हैं, बदतमीजी हो रही है, तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। और उन्होंने एक और स्कीम निकाली है कि अगर अब महिलाओं को उनके जो वर्किंग प्लेस है उस पर उनके वर्किंग पीरियड तक ही रखा जाए, उसके बाद उनसे ओवर टाइम न लिया जाए, तो वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि वो हवा हवाई बातें हैं या सच में इम्प्लीमेंट हो रहा है? लग तो यही रहा है कि शायद करेंगे, अब देखिए देखा जाएगा उनके साथ ही पता चल। और बाकी मेरा पर्सनली मानना है कि जो फांसी की सज़ा होती है इज़ नॉट राइट, बिकॉज कोटा में इतने भी केसेस होते हैं कि मतलब बंदा ऐसे ही सुसाइड करता है जब वो लाइफ से तंग आ जाता है। तो अगर कोई किसी को फांसी की सज़ा दी जा रही है तो वो भी एक तरीके से ईजी है उसके लिए। तो मेरा ये मानना है कि भाई मतलब बहुत ज़्यादा क्रूअल हो जाएगा अगर मैं बोलूँगी। आप बोलिए ना कि क्या आप चाहती हैं। बट मैं चाहती हूँ कि जैसे हाथ पैर काट के उसको रोड पे फेंक दिया जाए, वो एक एग्जांपल भी बने बाकी लोगों के लिए और वो खुद भी उसी तरीके से तड़पे जैसे जो गर्ल्स हैं वो तड़प रही हैं। और मतलब उसकी वो अपनी फैमिली से भी नज़रें ना मिला पाए, मेरा ये मानना है। वो भी उसी तरीके से तड़पे, वो अपना खाना खुद से ना खा पाए, जैसे अभी निर्भया का हुआ था 12 साल पहले, उसमें उसको पानी भी नहीं पिया पीने को मिला था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब उसको भी खाना वाना नहीं मिल पाया, वो अपने आप कुछ ना कर पाया, वो बस पड़ा रहे, ऐसा मिला। क्या नाम है आपका? आपूर्ति। ये बताइए कि 2024 में आपको लग रहा है कि कुछ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बदलाव आए हैं? देखिए सुरक्षा की बात करें तो अभी मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, जिस हिसाब से रिसेंट में हमारे गैंग रेप केसेस हो रहे हैं और दिन पर दिन ये केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, न्यूज़ आती ही जा रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी हम सब सेफ हैं। तो सरकार को कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि हम रात में 3 बजे भी निकल रहे हैं, 4 बजे भी निकल रहे हैं तो एटलीस्ट हम सेफ फील करें। हमें अभी सेफ फील नहीं होता है, अगर हम दिन में भी निकल रहे हैं तब भी हम सेफ फील नहीं करते हैं। जी योगी जी ने अभी कल ही अपना एक बयान दिया, उसमें उन्होंने बोला है कि प्रशासन को बहुत अच्छे से टाइट किया जाए, अगर कोई चेन स्नैचिंग होती है या फिर लव जिहाद होता है या फिर कोई भी महिला के साथ छेड़छाड़ होती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। तो आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ हवा हवाई बातें कर रहे हैं या फिर सच में कुछ कर रहे हैं? प्रशासन को टाइट करने की तो 2012 में भी बहुत बात की गई थी, बट एज सच कुछ बदलाव चेंजेस आए नहीं है। बट होपफुली योगी जी पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए, तो मे बी वो कुछ ऐसे स्टेप्स लें कि सच में लाइक हम सेफ फील करें और ये जो रेप के केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं तो वो ना हो अब। और
और अपने जो वर्क प्लेसेस पे हमारे स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स हर जगह हमें सेफ्टी मिले, ऐसे स्टेप्स उन्हें ज़रूर से लेने चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रद्धा है। तो श्रद्धा जी ये बताइए कि इससे पहले जो अन्य सरकारें थीं उनके अकॉर्डिंग बीजेपी सरकार में क्या महिलाओं की जो सुरक्षा है उसको लेके क्या कुछ हद तक भी परिवर्तन हुआ है? मेरे हिसाब से बूंद बूंद से सागर बनता है, तो मेरे हिसाब से सागर का अस्तित्व भी बूंदों से होता है। आज जो हम पार्टीज देखते हैं, एनी पॉलिटिकल पार्टी, वो कहीं ना कहीं हमने चुनी है, तो हम डायरेक्ट उस सागर पे इल्ज़ाम लगाने से पहले हमें देखना होगा वी एज अ पीपल हु आर वी चूजिंग। हम एकदम से देखिए, एकदम से कुछ बड़ा सा होता है, फिर एकदम से आंदोलन आता है और सब एकदम से शांत हो जाता है। ये क्या बताना चाह रहा है? बताना ये चाह रहा है कि उस सागर को हिलाने के लिए बूंद बूंद को कतरा कतरा बहाना होगा। हम तब तक, हमें लगता है सोती हुई सत्ता तब तक नहीं जागेगी जब तक हम ये देखते हैं रेप हो रहा है। जब हमारे कानों में ये सुनने आए कि एक लड़की का रेप हुआ, वो फिर भी उठी, उसने हाथ में जो आया और लगा के खींच के मारा, मैं मरूंगी पर मैं लेके मरूंगी। और जब ऐसे केसेस हमारे सुनने में आएंगे तभी सोती हुई महिलाएं जागेंगी। मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मैं मतलब मेरी खुद की टीम है, हम नुक्कड़ नाटक करते हैं और अभी भी मैं अपने कॉलेज में बच्चों को सिखा रही हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट कोलकाता केस, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कोई दुनिया आके बता दे वी आर एम्पावर्ड, जब तक मेरे अंदर की शक्ति नहीं जागेगी आई एम नॉट एम्पावर्ड। तो अगर मेरे अंदर है, मैं क्यों डरूं किसी से? जब वो सत्ता, जब मेरे ऊपर अपमान हुआ तब मेरे लिए कुछ नहीं कर रही है, तो मैं उस सत्ता को भी नहीं मानूंगी। अगर मैं एक को लेके मरूंगी, लेकिन मैं लेके मरूंगी। हमें सिखाया जाता है तुम्हारा रेप होने वाला हो, यू जस्ट बेटर डाई, व्हाई शुड आई डाई, हु आर दे टू टेल मी दैट आई डाई। मैं ले के मरूंगी, मैं प्राण ले के मरूंगी उनके। जब मेरे अंदर ये जज्बा होगा ना, तो मेरे सामने 100 खड़े हो 1000 खड़े हो, अगर मुझे खुद पे भरोसा है मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और इतना भरोसा अगर हर स्त्री को हो जाए तो सत्ता कांप उठेगी। तो हमने है, वी एज द पीपल ऑफ इंडिया हैव क्रिएटेड दिस डेमोक्रेसी, और हम डेमोक्रेसी को तभी हिला सकते हैं जब हम अंदर से जाके हु आर वी एंड वी आर द नेशन हु मेक ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। थैंक यू। बहुत अच्छा बोला आपने। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, मुझे लगता है कि हम सभी महिलाओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस तरीके की इनकी सोच है उस सोच पे हम सभी महिलाओं को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो आगे आइए बात करते हैं और महिलाओं से, उनको देखते हैं कि उनके क्या विचार हैं। सर क्या नाम है आप? अवनीश। अवनीश, अच्छा ये बताइए कि अभी योगी जी ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत ही ज़्यादा अब सतर्कता बरतनी पड़ेगी, और जो चेन स्नैचिंग हो रही है और लव जिहाद हो रहा है, सारी चीज़ें हैं, इनको लेके तुरंत एक्शन लिया जाए। तो आपको क्या लगता है कि योगी जी सिर्फ ये बोल रहे हैं या फिर सच में इसके ऊपर कुछ काम भी होगा? नहीं, योगी जी ने जो भी अभी तक कमिटमेंट किया है प्रदेश की सरकार से, लोगों से, तो वो पूरी तरह से पूरा किया जा रहा है और आप फर्दर आगे फ्यूचर में भी पूरा करेंगे। तो आपको लगता है कि योगी जी ने तो ऑर्डर दे दिया है, तो क्या प्रशासन इस चीज़ को सुनेगा? अगर प्रशासन लापरवाही नहीं कर रहा है तो आए दिन आप खबरें पढ़ रहे होंगे, तो कैसे महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए जा रहे हैं, बताइए। मैडम, वो उसके लिए प्रशासन नहीं है, सब लोग जिम्मेदार हैं। एक पब्लिक है, पब्लिक में भी आम लोग हैं, आम लोगों को भी समझना चाहिए। इसके लिए प्रशासन नहीं, प्रशासन के साथ में बाकी सब जितने लोग हैं उनको भी इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्दर जैसे सोसाइटी में जो भी क्राइम्स होते हैं उसके लिए हमें भी आगे आने पड़ेगा। प्रशासन तो हमारे लिए लगा ही हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ हमें भी सपोर्ट देना पड़ेगा। तो आप जनता को भी दोष दे रहे हैं? हाँ, जनता है, बिल्कुल दोषी है, कि आम आदमी भी दोषी है उसके लिए, प्रशासन तो है ही साथ में जनता। आपका क्या विचार है इस बात पर? आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि क्या कुछ सही है क्या कुछ गलत है? आप क्या कहेंगे, थोड़ा अपना विचार जरा प्रकट कीजिए। मैम, जनता को जागरूक होना पड़ेगा ना, जनता अगर नहीं चाहेगी तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो भी तो इन्वॉल्व उसमें, मतलब वो ऐसा क्यों करता है? मतलब अगर लड़की से लड़की ने कम कपड़े पहन लिए तो उसका मतलब वो दोषी है? आप अपनी सोच बदलो ना पहले। बाकी तो योगी जी बोलते हैं वो करते हैं, उन्होंने अगर बोला तो वो करके दिखाएंगे। अभी ये बताइए कि अभी योगी जी ने कल कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के इस बार बहुत अच्छे से मतलब सख्ती बरती जाएगी, और जो चेन स्नैचिंग होती है, लव जिहाद होता है, इन सब चीज़ों पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि क्या सच में एक्शन लिया जाएगा या फिर योगी जी हवा में बातें कर रहे हैं? नहीं नहीं, योगी जी का ये बहुत अच्छा कदम है, और योगी जी अभी तक जो कहें वो पूरी तरीके से कर रहे हैं। हम लोग पूरा विश्वास है कि महिलाओं के प्रति सुरक्षा को लेकर आश्वस्त रहें और पूरी सुरक्षा योगी जी द्वारा प्रदान की जाएगी। लेकिन जब से इनकी सरकार आई है तो ऐसा तो हुआ नहीं है कि कुछ हुआ नहीं है। मणिपुर पर भी तो कुछ नहीं बोलते वो, तो कैसे वो अब योगी की सरकार यहाँ लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में, यहाँ की बात करिए, मणिपुर बोलने जाए? नहीं, बात करेंगे यहाँ के लिए, वो देखिए जिम्मेदार है, यहाँ कुछ हो रहा है तो उसको पूरी। ये बताइए, अभी कुछ दिनों पहले अयोध्या में एक मामला आया था कि उसी में दलित
समुदाय की एक लड़की थी जो वहाँ काम करती थी, उसी के साथ वहाँ पर दुष्कर्म हुआ था और बीजेपी का ही कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता के बेटे ने किया था, सामूहिक बलात्कार हुआ था, 9 लोग उसमें शामिल थे। तो उस पर फिर आप क्या कहेंगे? देखिए उसके बारे में हमें नहीं ज्यादा जानकारी है क्या है, कहीं के लिए हम बहुत ज्यादा राजनीति से जुड़े। राम मंदिर तो वही बनवाए ना, तो राम मंदिर बनवाए, राम मंदिर के बारे में जान रहे, उसके बारे में पूछोगे ठीक है, अब कहाँ दुष्कर्म हुआ था, किस तरीके से था, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि हुआ था, तो उस पर भी तो कुछ कहना चाहिए ना अब योगी जी को और आपके ये प्रधानमंत्री को। उसमें एक्चुअली ये होता है कि जैसे वहाँ मान लो वहाँ जो पुलिस है वो जिस तरीके से जानकारी देगी तो उस पर एक्शन लेंगे। बाकी जो ओपन मुद्दा है, अभी आप लखनऊ की बात करें, एक बार जब यहाँ पर जलभराव हुआ था, आपको पता होना चाहिए, वहाँ मान लीजिए जब पानी वानी फेंक रहे थे गाड़ी के अंदर, उस समय योगी के देखिए डायरेक्ट तुरंत एक्शन आया था। तो जहाँ चीजें आएगी ओपन तो डायरेक्ट तुरंत एक्शन आया, लेकिन उन्होंने फिर 2 पर्टिकुलर समुदाय नाम लेके बोला कि यादव मुस्लिम, वो ये भी तो कराते हैं लोग, ये कहते हैं कि वो हिंदू और मुस्लिम का विवाद कराते हैं, मुस्लिम थे वहाँ पर जो भी एसपी थे, जो भी उन्होंने नाम लिया, ऐसे 2 लोगों का उन्होंने नाम भी लिया था, ये दो जाति के लड़के थे वहाँ पर। जातिगत तो अलग मुद्दा मान लीजिए, उसमें क्या था ना, जातिगत अगर आप देखेंगे तो जातिगत को योगी जी के साथ नहीं, अगर आप देखेंगे तो सबका साथ सबका विकास की चीजें चल रही हैं, और जातिगत की जो आप बात कर रही हैं तो वो तो आप देखिए वो सारी पार्टियां कर रही हैं, अगर आप देखें तो विपक्ष तो जाति पे बात कर रहा है, जैसे कि थोड़ा बता दीजिए, जैसे कि आप विपक्ष का देख लीजिए, ये अभी जो तुम्हारे वो वाली चीजें अभी आप देख लीजिए, अगर आप ये देख रही हैं तो जातिगत तो विपक्ष ही कर रहा है मैडम, जैसे थोड़ा बता दीजिए, हम लोग मुद्दा विहीन तो हो ही गए, देख रहे हैं पंडित जी के लिए कुछ बोला था वो मिश्रा जी, अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था, हाँ कहाँ से हो, तो ये है सारी चीजें। बाकी यहाँ पे अगर आप लखनऊ में देखेंगे तो अगर आप 5-10 साल पहले योगी का जो भी कार्य हो रहा है, हम लोग किसी विशेष पार्टी को नहीं ऐसा मतलब हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन उनके कार्य से हम लोग संतुष्ट हैं, और दोबारा से मौका लगेगा फिर भाई उन्हीं कोट दिया जाएगा, वही सरकार में रहे वही चलाएं। कुछ लोग तो कहते हैं कार्य हमें पसंद है, कुछ लोग कहते हैं योगी जी खाली लिफाफा हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, पूरी तरीके से एक्शन में है योगी जी, योगी जी ऑन फायर है। अब विपक्ष पार्टी जो है वो कहती है कि योगी जी खाली लिफाफा है, विपक्ष उनको आरोप लगाना है भाई, वो आरोप लगा रहे हैं, उनका काम है, बाकी जो सरकार है वर्तमान में वो बहुत अच्छा काम कर रही है। आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे को जो मैंने बात करी अभी आपके सामने, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि 2024 में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कुछ आगे मतलब स्टेप लिए गए हैं, या फिर अभी जो ओल्ड तरीके हैं या वो सारी चीज़ें ही अपनाई जा रही हैं? मैं तो मोदी जी के काम से खुश हूँ, अच्छा जो भी महिलाओं के लिए काम हो रहा है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, आप कोई भी अपराधी की कोई जात नहीं होती है, अच्छा अपराधी किसी भी कास्ट धर्म का हो वो अपराधी ही होता है। पर अभी बीच में अखिलेश यादव जी तो कह रहे थे कि जो योगी जी हैं वो अपराधी की जात देखकर ही हाईलाइट करते हैं कि अच्छा हिंदू अगर मतलब अगर पंडित है तो उसको दबा दिया, मुस्लिम है तो उसको उछाल दिया, ऐसा कुछ होता है क्या? वो राजनीतिक पार्टियां अपना काम कर रही हैं, अच्छा हम लोग कॉमन जनता है ठीक है, हम लोग देख रहे हैं किस जात का कौन सा है, हमसे उससे कोई मतलब नहीं, अपराधी है कोई किसी भी जात का हो उसके साथ एक्शन होना चाहिए, बुलडोजर चले या जो भी हो रहा है एनकाउंटर हो रहा है, हम लोग उससे खुश हैं। अपराधी के साथ महिलाओं के लिए जो कुछ सुरक्षा उरक्षा की गई है कि नहीं, आपको कुछ लग रहा है मतलब हाल फिलहाल में ऐसा कुछ किया गया है आपको, कुछ कोई स्कीम आपको समझ में आ रही है? हमें तो महिलाओं के लिए अच्छा ही लग रहा है, जैसे आप हमसे बात कर रही हैं ओपन, इसके पहले 10-15 साल पहले आप नहीं करती होंगी, तो हम तो देख रहे हैं महिलाएं आजाद हैं, घूम रही हैं। आपका क्या नाम है? सुधाकर वाजपेयी। बहुत ही ध्यान से आप सुन रहे हैं, तो ये सब सुनने के बाद कुछ मन में चल रहा होगा तो वो बताइए पहले आप, सवाल फिर मैं करूँगी। जी मन में ये चल रहा है कि अखिलेश जी भी अच्छे हैं, अच्छा। और वो पारिवारिक हैं, अच्छा। उनको भी आना चाहिए, हो सकता है अभी उठते बैठते हैं क्या आपके साथ जो पारिवारिक हैं? ना ना मतलब जैसे बाबा जी हैं तो बाबा जी एक साधु हैं, हाँ। संत हैं, और ये पारिवारिक हैं, इनका परिवार बाबा जी का अपना कोई परिवार है नहीं। ये बताइए कि जो बेटियों की सुरक्षा थी वो अखिलेश जी के समय में थी या अभी योगी जी के समय में हो रही है? तब भी थी और अब भी, और अब भी थी, ऐसा भी नहीं आज भी हो रहा है महिलाओं के साथ, क्या आप जान रही हैं, आप देख रही हैं दुष्कर्म हो रहा है? जी जी बिल्कुल हो रहा है, छेड़छाड़ होती है। हाँ हाँ कुछ हो रहा है, सुधार है, ऐसा नहीं है, जी जी सुधार है, लेकिन अखिलेश जी में भी सुधार हुआ है, और कमियां तो रहेंगी ही, ऐसा नहीं है कि कमियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन मेरी सोच जहाँ तक जाएगी तो मैं यही कहूँगा कि अखिलेश जी पारिवारिक है तो उनको भी एक बार सरकार में आया तो हो सकता है उनका भी कुछ मौका देना चाहिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम चलिए 27 में दे दीजिए। जी जी धन्यवाद। आपका क्या नाम है सर? बात यह है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आपको लग रहा है कि 2024 में कुछ नए स्टेप लिए गए हैं? बिल्कुल, सब पूरा 2014 से लिए जा रहे हैं, जैसे कि कुछ गिना दीजिए।
बिल्कुल नहीं खत्म हो गया भैया। अभी वो बोल रहे थे कि क्या बोलते हैं, पहले भी था अभी भी है, मतलब एकदम पैरेलल हो रहा, पैरेलल चल रहा है। पहले तो बहुत था, अब है ना के बराबर है। अच्छा। जो है भी डर डर के। हाँ। ठीक है, डरते हैं योगी जी से, बुलडोजर चलवा दी। बुलडोजर से, क्योंकि बुलडोजर वाली स्कीम आपको सही लगती है? बिल्कुल। अच्छा, कैसे हो सकता है कि घर के छोटे बेटे ने कुछ काम किया तो पूरे घर पे बुलडोजर चलवा देते हैं? उसके बाप, उसकी माँ, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को ये नहीं बोलता ना कि आप जाके छेड़छाड़ कर लीजिए या कुछ कर लीजिए। तो प्रशासन ने मना किया ना कि हाँ। मत करो ये सब। अच्छा, पहले वार्निंग देते हैं, बावजूद भी जब होता है तो गिर जाता है। आपका क्या कहना है इस पर? आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, पहले ये बताइए कि क्या खबर आपको सबसे अच्छी लगी? अरे गुंडाई हो रही है और क्या, गुंडाई हो रही है। हाँ। और क्या हो रहा है? अरे देखो, एक लड़के को उस पे मारा था आइसक्रीम ठेले वाले को, फिर किसी दूसरे को मार दिया गाड़ी वालों ने। अच्छा। हाँ। पकड़े नहीं मिल रहा है कौन मार के चला गया, तो प्रशासन ढीला है और क्या। अच्छा, तो बताइए फिर क्या करना चाहिए योगी जी को इस पे? और टाइट करना चाहिए, और टाइट करना चाहिए। हाँ। इतना तो टाइट कर रहे हैं, ये सब बता रहे हैं। बुलडोजर चलाना ठीक है उनका, ठीक है वो, ठीक है इसलिए ठीक है कि दूसरा भी डरेगा देख के। अच्छा। हाँ, पूरा महिलाओं के लिए कुछ कर रहे हैं योगी जी की खाली बस बैठे हैं? हाँ, महिलाओं के लिए अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, वो करना चाहिए महिलाओं के लिए जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने किया, को ममता ने किया, वो कानून यहाँ लागू नहीं। क्या किया ममता ने, बता दीजिए दर्शकों को, बताइए। अरे कुछ किया है कि 30 दिन में जांच होनी चाहिए, 30 दिन में न्याय मिल जाना चाहिए, इस तरह कानून बनाना चाहिए। मिल रहा है वहाँ पे, बता तो रहे हैं। जब कानून बनाया है, कानून बनाया है, वही कानून यहाँ भी आना चाहिए। देखो दूसरा डरता है जब दूसरे की लाठी चलती देख करके, तो वही सा कानून बनेगा तो डरेंगे लोग। अभी तो जेल जाते हैं, छूट आते हैं, आराम से वहाँ रोटी खाते हैं। अगर वो दोषी है तो उसके हाथ काट लेना चाहिए, इस तरह कानून बनाना चाहिए। सब लोग इक्वल है, सबके पास फ्रीडम है। तो योगी जी ने एक नया कानून बनाया है कि महिलाओं को ओवर टाइम ना कराया जाए, महिलाओं का जो समय जैसे 11 से 7 उनकी ऑफिस में उनका काम है तो वो 7 तक रहें, उसके बाद ओवर टाइम ना कराया जाए। तो क्या पुरुषों के लिए कुछ ऐसा नहीं आना चाहिए? आपके मन में कभी जलन से नहीं होती कि नहीं महिलाओं को इतना क्यों दे रहे हैं? जलन नहीं होती। अच्छा, महिलाओं का क्या है कि उनका है कुछ इशू रहता है, वो कमजोर है क्या? नहीं, कमजोर नहीं है, आजकल उनके साथ क्या है, फिर उनको इतना ज्यादा इस तरीके से क्यों, मतलब बिचारी की तरीके, अबला नारी की तरीके उनको देखा जाता है, ऐसा क्यों? अबला नारी तरीके से वो नहीं देखा, उनकी सुरक्षा को लेकर उन्होंने ये कानून जो है बताया है कि उनका टाइमिंग एक फिक्स कर दिया है, इतने से इतना होना, क्योंकि आजकल को अराजक तत्व जो है हमारे प्रदेश देश में घूम रहे हैं कुछ, तो उसी की वो देखते हुए बाबा ने ये कानून लगाया है। और जो रही बात बुलडोजर की, तो बाबा ने सही किया, जो भी चलाया, ये नहीं है कि एक आदमी कर रहा है तो उसका छोटा बेटा अगर घर का नहीं कर रहा है तो उससे क्या है, फिर वो छोटा बेटा भी कहेगा कि हमारे भाई के प्रति कुछ नहीं हुआ तो हम भी बस उसी रास्ते पे निकले। और कुछ समुदाय ऐसे हैं कि वो यही चाहते हैं, यही डिजर्व करते हैं, तो इसलिए बाबा ने बुलडोजर जो गिराना शुरू किया गया, नहीं तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा आतंक का प्रदेश बन जाता। तो बाबा ने जो किया वो सही किया, बाबा ऐसे और भी प्रदेश बाबा चले गए सकता इसमें, फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबा चले जाए, क्योंकि बाबा के फिर लोग कहेंगे अरे ऐसा है वैसा। देखा नहीं यूपी में आपने? हमने देखा है यूपी में, लेकिन बाबा की सरकार बनी ना, ना कि कोई दूसरा आया। ऐसे ही लोग कहते रहेंगे लेकिन सरकार बाबा की ही रहेगी। और भी प्रदेश में वो जाएंगे तो वहाँ भी ऐसे ही उनका। तो जैसे कि आप सभी ने देखा कि मैंने यहाँ पर कुछ लोग बैठे थे, उनसे बात करी, थोड़ी हंसी भी हुई, थोड़ी मजाक भी हुई, लेकिन इसके बीच हमें ये पता चला है कि 2024 में काफ़ी कुछ परिवर्तन आया है। योगी जी जो भी पॉलिसीज लाते हैं, जो भी रूल एंड रेगुलेशन लाते हैं महिलाओं के लिए, उस पर इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।